भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर पिछले कई दिनों से ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस महामारी से मरने वालों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2.5 लाख से कम नए केस सामने आए हैं, जो मई महीने से अब तक एक दिन में सबसे कम नए केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,22,315 नए कोरोना केस आए हैं और 4,454 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,02,544 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 84,683 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले शनिवार को 2,40,000 नए केस दर्ज किए गए थे और 3,741 संक्रमितों की जान चली गई थी। 23 मई तक देश भर में 19,60,51,962 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 9,42,722 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 33,05,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19,28,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,67,52,447, कुल डिस्चार्ज 2,37,28,000, कुल एक्टिव केस 27,20,716, कुल मौतें 3,03,720। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.13% है, जबकि रिकवरी रेट 88% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 11% से कम हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना